नमस्कार दोस्तों, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर देखने को मिल रहा है दोस्तों। और दोस्तों आज शेयर में अच्छी खासी यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिली है। 215 रुपये का शेयर है, बैंक सेक्टर का शेयर है, बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर देखने को मिल रहा है। आज की क्लोजिंग शेयर की 215 रुपये 30 पैसा, 3.96% की शेयर बढ़ोतरी, 8.20 पैसे की बढ़ोतरी शेयर में देखने को मिली है। अच्छा खासा लोअर देकर फिर अपसाइड यहाँ पर हाई निकाला, फिर उसके बाद जैसे हाई शेयर निकाला, अच्छे खासे मोमेंटम यहाँ पर तेजी के साथ देखने को मिले दोस्तों। यहाँ से छोटा सा हाई निकाला, ब्रेक किया, फिर यहाँ पर हाई को ब्रेक किया, उसके बाद फिर और ज़्यादा हाई देखने को इस शेयर में मिला है। यानी कि 210 से शेयर की प्राइस 217, अच्छी खासी 7 रुपये की 8 रुपये की यहाँ पर शेयर में रिटर्न देखने को मिला है। अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिली है, अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिली है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर से बात करें आगे की संभावना है, तो दोस्तों 1 सप्ताह के हिसाब से यहाँ पर चार्ट में एनालिसिस करते हैं, तो 3 रुपये की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पूरे चार्ट एवरेज वैल्यू के हिसाब से 1.44% की यहाँ पर रिटर्न देखने मिल रही है। शेयर ने यहाँ पर सपोर्ट बनाया है और अच्छा खासा सपोर्ट बनाकर देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर शेयर की जब मेन सपोर्ट बनता है देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सपोर्ट बनाया है शेयर ने, जो कि 216 214 रुपये पर यहाँ पर सपोर्ट बनाया है। यहाँ से सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो नियर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर 213 का सपोर्ट एक और मेन देखने को मिल सकता है। यहाँ से मेन सपोर्ट यहाँ पर 214 का है, यहाँ पर 200 हाई यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है दोस्तों। बात करें 1 महीने के हिसाब से, तो 1 महीने के हिसाब से यहाँ पर शेयर में गिरावट की संभावना देखने को मिल रही है। सपोर्ट इसका मेन जो देखने को मिल रहा है 214 और 208 तक संभावनाएं अगर ब्रेक करता है। यहाँ पर छोटा सा सपोर्ट 210 पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर जो हाई दिया था यहाँ सपोर्ट बनाया फिर हाई दिया है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट है जो कि 210 रुपये तक बनता हुआ देखने को मिल रहा है। 208 के अंतर्गत यहाँ पर सपोर्ट बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो भारी गिरावट यहाँ पर शेयर में देखने को मिल सकती है। बाकी अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर ट्रेनिंग देखने को मिल सकती है, अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम पर 12% यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है। 1 महीने के अंदर का 24% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बात करें 1 साल के हिसाब से, तो अच्छी खासी हाई अप देखने को मिल रहा है, ज़्यादा हाई पर जाने की संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है। वो दोस्तों ज़्यादा हाई पर है तो ब्रेकआउट भी देखने को शेयर में मिलता ही रहेगा। तो दोस्तों 52% का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है बैंक सेक्टर के शेयर में। 74 रुपये का रिटर्न देखने को मिल रहा है 1 साल के अंतर्गत। तो यहाँ पर हाई पर है तो शेयर गिरावट संभावनाएं हैं, क्योंकि जो हाई पर है वो जो 133 वाला 215 पर सेल अवश्य करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर वाला यहाँ सेल कर दिया, यहाँ वाले ने यहाँ सेल कर दिया, और यहाँ वाले वहाँ सेल कर रहे हैं। यानी यहाँ वाले जो बचे हैं वो वहाँ सेल कर रहे हैं, यहाँ वाले बचे हैं, यहाँ वाले भी बचे हैं, जो कुछ बचे हैं वो वहाँ वाले सेल अवश्य करेंगे। यानी लॉन्ग टर्म में जो 1 साल वाले बैठे हैं वो वहाँ सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों जिसकी वजह से यहाँ पर शेयर में गिरावट की संभावना तो बनती हुई देखने को मिली है। ऑल टाइम पर हाई है तो यहाँ पर गिरावट की संभावनाएं देखने को मिल भी सकती है। तो दोस्तों अगर आप बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों बाजार में निवेश वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, तो कृपया आप अपनी जिम्मेदारी पर निवेश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।